टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ सुरेश रैना ने भी 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। रैना के संन्यास की घोषणा पर बीसीसीआई ने सोमवार को कहा कि रैना ने सार्वजनिक घोषणा से एक दिन बाद बोर्ड को संन्यास के फैसले की सूचना दी थी। बीसीसीआई ने बयान में कहा कि बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के अपने फैसले के बारे में बीसीसीआई को रविवार को औपचारिक रूप से जानकारी दे दी थी। आमतौर पर खिलाड़ी संन्यास की घोषणा करने से पहले बीसीसीआई को सूचित करते हैं। बड़ी बात यह है कि धोनी और रैना दोनों ने ही अचानक संन्यास का ऐलान कर अपने फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि धोनी और रैना दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी कहे जाते हैं। हो सकता है कि दोनों ने आने वाले समय को एनालाइज किया हो और उस हिसाब से ही यहां पर संन्यास का ऐलान किया हो। बीसीसीआई ने यह खबर आधिकारिक तौर पर कही कि रैना और धोनी के संन्यास की खबर एक दिन बाद उन्हें मिली थी। बड़ी बात यह है कि हालांकि बीसीसीआई ने यह भी कहा कि ये दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक याद किए जाएंगे। इनका योगदान काफी शानदार रहा है भारतीय क्रिकेट में और बीसीसीआई भी ऐसे क्रिकेटर्स को सलाम करता है। एएनपी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।